सेकंड क्लास मैनेजर कोल रिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन 2021 के क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करते हुए 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और अभी मैं इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन 11 के बाद वाला क्वेश्चन पढ़ करके उस पर सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैं इसके बाद अपलोड करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हेडिंग है, वो आरएमआर बेस्ड थी क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन उसको मैं इस क्वेश्चन के बाद या उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इन ए सीम इन विच ए फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग एग्जिस्ट इन द अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट माइन लेइंग विद इन द प्रिसिंक्ट ऑफ माइन सच टाइप ऑफ सीम नोन एज ऑप्शन ए फर्स्ट डिग्री गैसी सीम, ऑप्शन बी सेकेंड डिग्री गैसी सीम, ऑप्शन सी थर्ड डिग्री गैसी सीम, ऑप्शन डी फ्लोरी सीम, ऑप्शन ई गैस इंक्लूड्स फ्यूम और वेपर। प्रश्न का मतलब क्या हुई थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसी सीम जिसमें आग लगी हुई हो या स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा हो, अंडरग्राउंड हो या ओपन कास्ट हो, जिसके नजदीक में, आसपास में, माइन के आसपास में ये आग लगी हुई हो या हीटिंग हो रहा हो, तो इस टाइप का सीम को क्या बोलेंगे, आग लगी हुई सीम या स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा सीम। लेकिन अगर केवल अंडरग्राउंड रहता तो उसको हम लोग देखते, लेकिन ये ओपन कास्ट माइन भी है जिसमें आग लगी हुई है, तो हम लोग इसमें ऑप्शन में डिग्री फर्स्ट गैसी सीम जो है वो किसके लिए है, वो है गैस जो कि मीथेन होती है जो कोयला सीम से निकलती है, उस आधार पर, गैस निकलने के आधार पर हम इसको क्लासिफाई किए गए हैं। तो ये तो नहीं हो सकती। उसी तरह से सेकेंड डिग्री भी जो है गैस निकलने के आधार पर उसको क्लासिफाई करते हैं, थर्ड वाली भी जो है गैस के आधार पर सीम को क्लासिफाई किए हुए हैं। अब एक बचती है फ्लोरी सीम। फ्लोरी सीम जैसा इसका नाम है, इसके लिए यहां पर एक टर्म लिखी हुई दिखाई दे रही है, रेगुलेशन 118। इस रेगुलेशन 118 जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का 118 है, और ब्रैकेट में मैं लिख दिया हूं 104, जो कि 1957 में जो रेगुलेशन थी सीएमआर उसका 104 था, जिसमें हेडिंग है मल्टी सेक्शन एंड कंटिग्युअस सीम। यहां पर हम कंटिग्युअस सीम पर फोकस लाना चाहते हैं कि कंटिग्युअस सीम होता क्या है। कंटिग्युअस सीम ऐसा दो सीम जिसके बीच की पार्टिंग यानी पत्थर 9 मीटर से कम है, 9 मीटर से कम है, यानी दो सीम है, एक ऊपर में है धरती के अंदर में, एक ऊपर में है और एक नीचे में है। तो ऊपर वाले सीम को हम लोग टॉप सीम कह दीजिए और नीचे वाले सीम को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लोर वाली सीम। तो ये फ्लोर वाली सीम की बात कर रहे हैं कि फ्लोर वाली सीम है क्या, इसकी मीनिंग हम वहां से निकाल करके बताने का प्रयास किए हैं कंटिग्युअस सीम से, या फिर बीसीसीएल के कई खदानों में, कई माइंस में नंबर ऑफ सीम्स हैं जो कंटिग्युअस सीम नहीं है, लेकिन एक टॉप में है, एक मिडिल में है, उसके नीचे है, उसके नीचे है। तो जो सबसे निचली सीम होती है उसको आप फ्लोरी सीम कह सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन में हम लोग को नहीं रख सकते जिसमें आग लगी हुई की बात चर्चा नहीं की जा रही है। अब नेक्स्ट ऑप्शन बचती है गैस इंक्लूड्स फ्यूम एंड वेपर। तो ऐसा सीम जिसमें गैस भरी हुई है और फ्यूम्स, फ्यूम्स कब निकलती है, धुआं कब निकलती है, जब आग लगी हुई रहती है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता रहता है। तो ऑप्शन ई जो है करेक्ट आंसर है, लेकिन इसमें जो आने वाली टर्मिनोलॉजी है जैसे फर्स्ट डिग्री गैसी सीम, तो इसका डेफिनेशन आपको याद रखना होगा, जो कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 2 में
दिया हुआ है। क्या है उसकी डेफिनेशन, आपको समग्र रूप से याद रखनी पड़ेगी। ऐसा कोयला सीम या उसका भाग जो माइन बाउंड्री के भीतर हो, जो ओपन कास्ट खान ना हो, जिसके जनरल बॉडी ऑफ एयर में, जिसके भूमिगत भाग के जनरल बॉडी ऑफ एयर में गैस पाई जाती हो अथवा नहीं पाई जाती हो। यदि पाई जाती हो तो 0.1% से अधिक नहीं हो, और गैस निकलने की मात्रा 1 क्यूबिक मीटर पर टन से कम हो। ये इसकी परिभाषा है फर्स्ट डिग्री गैसी सीम की। दोस्तों मैं फिर से अगर आप कहने चाहेंगे, रिपीट करना चाहेंगे तो रिपीट करवा दूंगा, मेरे कमेंट्स में आप कमेंट्स दे करके इस डिग्री गैसीनेस को डिफाइन फिर से करवा सकते हैं। सेकंड डिग्री गैसीनेस की क्या परिभाषा होती है, उसी में कहा गया है कि ऐसा कोयला सीम या उसका भाग जो माइन बाउंड्री के भीतर हो, जो ओपन कास्ट खान ना हो, जिसके जनरल बॉडी ऑफ, जिसके भूमिगत भाग के जनरल बॉडी ऑफ एयर में गैस पाई जाती हो और 0.1% से अधिक हो, तथा कोयले के प्रति टन उत्पादन के आधार पर 1 क्यूबिक मीटर प्रति टन से अधिक गैस निकलती हो परंतु 10 क्यूबिक मीटर प्रति टन से कम गैस निकलती हो, ऐसा गैसीनेस वाली मान डिग्री टू कहलाती है। डिग्री थर्ड की परिभाषा में क्या कहा है, सेम दूसरी पहली लाइन तीसरी लाइन सेम है, लेकिन इसमें कहता है कि ऐसा कोयला सीम या उसका भाग जो माइन बाउंड्री के भीतर हो, जो ओपन कास्ट खान ना हो, जिसके भूमिगत भाग के जनरल बॉडी ऑफ एयर में निकलने वाली गैस की मात्रा कोयले के प्रति टन रेजिंग के हिसाब से 10 क्यूबिक मीटर से अधिक हो, तो वो डिग्री थर्ड गैसी सीम कहलाती है। मैंने फ्लोरी सीम की बात को रेगुलेशन 118 के तहत डिफाइन कर दिया, गैस इनपुट्स फ्यूम और वेपर की भी डिफाइन कर दिया। इस तरह से ई नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है, लेकिन यहां पर आपको एक चीज और जान लेने की जरूरत है कि फायरी सीम क्या होता है। यहां पर फायर वाली सीम क्या होता है, ये भी डेफिनेशन कोल माइंस रेगुलेशन 1957 और साथ में कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन नंबर 2 में फायरी सीम को डिफाइन किया। फायरी सीम क्या होता है दोस्तों, ऐसा कोयला सीम या उसका भाग जो माइन बाउंड्री के अंदर में आग लगी हुई हो या स्वतः दहन हो रहा हो, स्वतः दहन यानी स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रही हो। अब यहां पर जो अंडरग्राउंड हो या फिर ओपन कास्ट हो, एक वर्ड और इसमें समाहित की हुई है, तो फायरी सीम का ये डेफिनेशन हो गया, ऐसा कोयला सीम जो माइन बाउंड्री के भीतर हो, जिसमें आग लगी हुई हो या स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा हो, जो ओपन कास्ट खान हो या फिर अंडरग्राउंड हो, ये फायरी सीम का डेफिनेशन हो गया। स्पॉन्टेनियस हीटिंग किसे कहते हैं, स्पॉन्टेनियस हीटिंग जब कोयले के साथ हवा का संपर्क होता है तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया चालू हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया चालू होने से उसके अंदर ऑक्सीडेशन जब प्रारंभ होती है तो उसी को स्वतः तपन या स्वतः दहन या स्पॉन्टेनियस हीटिंग कहते हैं। इसकी अभिक्रिया मैं इसको एक्सप्लेन करने के बाद बता देता हूं कि कैसे उसको हम लोग अभिक्रिया के रूप में दिखाते हैं। लेकिन यहां पर जो डीजीएमएस है वो सिम्फर के स्टडी के बाद एक कंक्लूजन निकाली और एक सर्कुलर निकाली है, सर्कुलर नंबर 3/1994 इसमें कहा है कि कोयले सीम को स्पॉन्टेनियस हीटिंग के आधार पर डिग्री ऑफ फायरी सीम में डिवाइड किया गया है। जैसा कि मैं इस टेबल में बताया हूं कि ये जो डिग्रीनेस ऑफ फायरी सीम है ये दो बेस पर इसको क्लासिफाई किया है, एक क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर और दूसरा है मॉइस्चर कंटेंट। क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या है और मॉइस्चर कंटेंट क्या है, हम इस टेबल को समझाने के बाद बता देते हैं कि क्या है वो। लेकिन इसमें देखिए क्या जो है डीजीएमएस सर्कुलर में निकाला हुआ है 1994 में, कि अगर क्रॉसिंग प्वाइंट टेम्परेचर 100 कोयले की क्रॉसिंग प्वाइंट टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है, साथ ही मॉइस्चर कंटेंट उसमें 2% है,
तब उसको हम लोग कहते हैं डिग्री फर्स्ट फायरिशिंग, यानी कि लेस सेसिपटेबल टू दी स्पॉन्टेनियस हीटिंग है, यानी कि वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग के प्रति वो जो सीम है, वो जो कोयला है, वो कम सस्पेक्टेबल है, कम आग लगने की चांसेस है। उसी तरह से अगर टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 160 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आती है क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर, और मॉइस्चर कंटेंट 2-5% के बीच में आती है, तो यही जो है मॉइस्चर कंटेंट 2-5% के बीच में रहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री सेकेंड फायरिशिम या मॉडरेट सस्पेक्टेबल टू दी स्पॉन्टेनियस हीटिंग। यहां पर तीसरा जो क्लासिफिकेशन है 120 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 140 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगर क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर है उस सीम का, उस कोयले का, और मॉइस्चर कंटेंट 5% से अधिक है, मोर है, तो उसको हम लोग डिग्री थर्ड फायरी सीम के बीच में क्लासिफाई करते हैं। ये जो कि जो सीम है, ये जो कोयला है, वो हाईली सस्पेक्टेबल टू दी स्पॉन्टेनियस हीटिंग है, वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग के प्रति ज्यादा एक्टिव रहती है। तो इस तरह से हम तीन डिग्री ऑफ फायरी सीम में क्लासिफाई किए हैं, लेकिन यहां पर ऑप्शन कुछ और बदल के दिया है। जो वर्ड है इससे प्रश्न शायद पूछी जाए आपके एग्जाम में, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए। मैं यहां पर ये दो वर्ड जो थी स्पॉन्टेनियस हीटिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए आपको 4 सेकंड के लिए विश्राम देता हूं। आप इसका अगर क्लिप लेना चाहें तो ले करके देख सकते हैं। तो मैं जो है अब यहां पर बताने वाला हूं, इसको मिटाता हूं और बताने वाला हूं कि ये जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या होती है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या होती है, जिसको स्वतः दहन कहते हैं। तो इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जब कोयला या कोयला का सीम हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो इनके बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया स्वतः दहन कहलाती है। अब ये देखें तो कोयले के अंदर कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये जब रिएक्शन करते हैं तो CO2 भी बनती है, CO भी बनती है, प्लस हीट निकलती है, प्लस मॉइस्चर भी निकलती है। तो ये रिएक्शन ही जो क्या कहलाती है, स्वतः दहन। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कोयला की एक विशेष प्रॉपर्टी है, ये पोरस नेचर की होती है। पोरस यानी छिद्र युक्त तो होती है। जैसे मिट्टी का ढेला को जब हम पानी के संपर्क में एक छोर, मिट्टी के ढेला के एक छोर को पानी के संपर्क में लाते हैं तो दूसरा छोर अपने आप भीग जाता है। या बरसात के दिन में देखते होंगे कि अपने जो घर का मकान का दीवाल है, अगर उसके ऊपर पानी बारिश की पानी पड़ रही है तो भीतर में भी हमको सीपेज दिखाई देने लगती है। ये किसके कारण से होती है, पोरस पोलेरिटी के कारण से होती है। वो कोयले के अंदर भी ये गुण पाया जाता है कि जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो कार्बन और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ये जो हीट डेवलप होती है, अगर ये एक्युमुलेट होती गई, एक्युमुलेट कैसे होगी, जब कोयले का ढेर लगा रहेगा तो वो ढेर हवा के छितराने नहीं, हवा से उस हीट को छितराने नहीं देती है, और वो हीट एक्युमुलेट होते हुए इसकी जो हीटिंग है वो रेट बढ़ाती जाती है।
तो इस तरह से उसमें आग पकड़ लेता है। स्वतः दहन चालू होने के कुछ समय बाद जो है आग पकड़ लेता है, आग के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरह से स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या होता है ये हम लोग समझे, और मैं मौखिक रूप से फायरिंग सीम बोल दिया हूँ, इसका भी डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में उससे भी पूछी जा सकती है। और जो 118 रेगुलेशन मैं बताया हूँ कंटिन्यूअस और मल्टी सेक्शन वर्किंग, उसको भी अच्छे से पढ़ना होगा। हम लोग किसी क्वेश्चन में आता है या सिलेबस के दौरान हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। ये धन्यवाद दोस्तों।